मैं तो कहूंगा कि अब अपना सब कुछ माँ विंध्यवासिनी को मान लीजिए। अगर इसको मान लेंगे तो आपको अपनी माँ सदैव आपके पास महसूस होंगी, क्योंकि मेरे भी सर पे माता पिता का साया नहीं है। लेकिन विश्वास मानिए, मैं अपनी विंध्यवासिनी माँ को अपनी माँ और पिता दोनों मानता हूँ। इसलिए मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ। सख्त राहों में भी आसान इतना दूर कि अचरा छोड़ के चल गए इतना दूर माई कि अब के बाबा हमके पास बोला कि तू रवि न कि तू रवि न रवि जी जी कई से तुर बौरा तोरा बिना जी
बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके। मन के दर दिया अब के बुझे अब के माई के दरबार में बानी, हम घरे ना गइल चाहिए। अगर हम हेजे खड़ा बानी, हम सूत के उठिला तो अपन माई के फोटो देखिला। हम घरे ना जाई, हमारे घरे मन ना लगे, जैसे कि घर में सबसे छोट है या सबसे अधिक मानत रही माई। जब भी बाबू ना आइब जब बोलस तो हम चल जाए घरे, पता चल जाए कि राहुल आवत तो 2 घंटा से गेट पे खड़ा रही, इतना मानत रही। और आज पापा भी साथ छोड़ के चल गेले, मम्मी भी नहीं के। एक इंसान जो घर में सबसे छोट होके ला, ऊपर जिंदगी कितना एक तो संघर्ष वाला जिंदगी बा, ऊपर से अकेले रहे के बा, बड़ा बुझाला। लेकिन कोनो बात ना, अभय बाबा विजय भैया हमार अंजलि हमार शिल्पी खुशी राहुल जी, आप जहां खड़े हैं ये पूरी दुनिया की माँ है। मैं तो कहूंगा कि अब अपना सब कुछ माँ विंध्यवासिनी को मान लीजिए। अगर इसको मान लेंगे तो आपको अपनी माँ सदैव आपके पास महसूस होंगी, क्योंकि मेरे भी सर पे माता पिता का साया नहीं है। लेकिन विश्वास मानिए, मैं अपने विंध्यवासिनी माँ को अपनी माँ और पिता दोनों मानता हूँ। इसलिए मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ। सख्त राहों में भी आसान सफर नजर आता है, सख्त राहों में भी आसान सफर नजर आता है, ये विंध्यवासिनी माँ की दुआओं का असर नजर आता है। एक जोरदार ताली बजाइए। वो कलाकार ही क्या जिसमें भाव न हो, और वो भाव से रीझ जाती हैं। और निसंदेह आज विंध्यवासिनी माँ आपसे बड़ी प्रसन्न होंगी। और ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि माता पिता आपको छोड़ के चले गए? वो सिर्फ शरीर से गए हैं, वो माँ आपकी वो सुन रही हैं, पिताजी आपको वो देख रहे हैं। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए, महसूस करिए वो आपके साथ में। और ये देखिए, उनका ही तो ब्लड है ना आपके शरीर में, तो वो गए कहाँ?
वो तो हैं, कभी नहीं जाते वो, हमेशा हम बच्चों के साथ। Thank you.